थैंक यू। हेलो, हाय, गुड। हाय, हाउ आर यू? आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अपनी चाय के साथ मैं था। मेरे को लगा कि आज क्योंकि आपने वैक्सीन लगवाई है, सो मेरे को लगा कि या वैक्सीन पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डर है कि वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, लगवाएंगे तो बीमार ना पड़ जाएं, क्या होता है। सो वैक्सीन कब लगवाई काजल आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल हाय सबको। आप सब, आई होप कि आप सब ठीक हो। एंड वैक्सीन मैंने कल लगाया, कल और कल कितने, 24 घंटे सुबह, हो? कल 24 घंटे सुबह हो गए। लगाया है। आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सुबह। ओके, 10 साढ़े 10 से ऑलमोस्ट 24 घंटे से ऊपर हो गए। तो वैक्सीन क्यों लगवाई तुमने? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से खतरा होता है, डर होता एक्चुअली है। मैं खुद भी बहुत डर रही थी, बिकॉज पता नहीं, सब बहुत डरा भी रहे थे कि बुखार आएगा, और एक तरीके से इसमें लाइक कोविड का ही इसमें है सारी चीजें। तो मुझे लगानी नहीं थी, बट मेरी मामा, मेरी जीजू, मेरी सिस्टर, सब लोगों ने बहुत फोर्स किया। तो जीजू ने और सिस्टर ने उनके साथ साथ मेरा भी करवा दिया। तो कल ही, लकीली परसों ही उन्होंने अप्लाई किया, और कल ही हमें मिल भी गया, तो अपॉइंटमेंट मिल भी गई, सो हमारा हो गया। सो नाउ आई एम फीलिंग गुड। वैक्सीन लगवाने के बाद क्या लाइक साइड इफेक्ट क्या आया अब तक? क्योंकि कहा जाता है कि स्वेट है जहां पर लगवाते हैं और कुछ कुछ लोगों को, और थोड़ा सा फीवर होता है, तो आपको कुछ ऐसा अब तक? मुझे थोड़ा दर्द तो कर रहा है। कल रात को तो मैं इस साइड में सो भी नहीं पा रही थी, अपने लेफ्ट साइड में, बिकॉज वो पेन कर रहा था, और हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। बस वो मामूली से दर्द है। एंड इंजेक्शन लगाते भी है, तो कभी कभी लाइक वहां पे स्वेलिंग्स आ ही जाती है, नॉर्मली भी हम लगाते हैं, तो आई थिंक उसी का होगा। एंड फीवर का जहां तक बात है, तो वो मैंने अपने मन में सोचा भी नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का, आंखें जल रही है, सो ऐसे फीलिंग आ रही है। तो मम्मी ने बोला क्रोसिन खा लो, एक मेरी सिस्टर ने भी बोला एक क्रोसिन ले लो। तो ऐसे कोई ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स मुझे नहीं लग रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग क्योंकि वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल कर रहे थे। तो वैक्सीन लगवाने पर दो चीजें होती हैं, एक तो आपको, कुछ लोगों को स्वेलिंग होती है, और दूसरा होता है कि आपको थोड़ा सा फीवर होता है। हालांकि ये सारे केसेस में नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में होता है, लेकिन ये एक दिन का दुख दर्द जो होता है ये आपको बाकी आगे बहुत आराम देता है। तो वैक्सीन कौन सी लगवाई, कोविड हाँ या स्पुतनिक वी? हाँ नहीं, को वाला था, को वैक्सीन ही कोविशील्ड या था, कोवैक्सीन? को वैक्सीन। कोवैक्सीन, वो बहुत अच्छी वैक्सीन है। ये कहा जा रहा है कि नया वायरस जो है उससे भी लड़ने में वो असरदार है। हाँ, मेरी जीजू ने कहा कि लकीली हमें वो ही मिल गया, तो बहुत अच्छा है। मैं कहूंगी आप सबसे, हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, सबसे कहूंगी आप लोग वैक्सीन ले और अप्लाई करें, और अप्लाई करें आप लोग ऑनलाइन, जो भी होता है फॉर्मेलिटीज जितनी भी है, लेकिन प्लीज ले लीजिए, बिकॉज जान है तो जान है। सब डरे हुए रवा हैं। रवा की बात भोजपुरी में बोल दे। हम रवा सबसे आग्रह करते आनी कि रवा जाई, और ऑनलाइन जाके वैक्सीन वैक्सीन का है क्या, मुझे नहीं पता, मैं वैक्सीन के लिए कंफ्यूज हो जा। अप्लाई पहले करी, अप्लाई, या अप्लाई करी और जाके ले ली, और क्या। बिना डर के। हाँ, बिना डरे आप बोल दो, आप बोल दीजिए अवधि में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोविशील्ड अच्छी नहीं है क्या? कोविशील्ड, देखो वैक्सीन सारी अच्छी है, लेकिन हो क्या रहा है कि क्योंकि वायरस के नए नए म्यूटेंट आ रहे हैं, तो उसमें कोवैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि जो नए नए म्यूटेंट आ रहे हैं ये उन पर भी करती है, यानी उन पर भी असरदार है, तो ये इट्स अ बेटर वन। और अगर आप रशियन वैक्सीन लगवाते हैं जो स्पुतनिक भी है, तो उसके बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि उसकी एक डोज भी आपको काफी हद तक बचा सकती है, वरना आपकी शक्ल ऐसी हो सकती है जैसे सुर काजल की है। हाँ, ये मैं फिल्टर्स ना, मैं फनी फनी ना। तो आप टूथब्रश का ऐड कर रहे हो अभी? मैं ना, मुझे थोड़ा सा कल सैडी सैडी फील हो रहा था ना, तो मैं ऐसे ही ये चेक कर रही थी, तो मैं ऐसे ही इसको देख के हंस भी रही थी, मैं खुद तो को ही मतलब स्माइल। शॉर्ट अप यही कह रहे हो ना? मैं देख रही थी मेरी स्माइल कैसी लग रही है। और बताओ आप कैसे, आपने वैक्सीन ली? यार हमारे यहाँ पर वैक्सीन मिल नहीं रही है, सबसे बड़ी समस्या ये। हम सब रजिस्ट्रेशन रजिस्टर किए बैठे हैं और नोएडा में वैक्सीन नहीं है,
जो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हम सब वेट कर रहे हैं, इनफैक्ट सारे जर्नलिस्ट वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोज किसी न किसी की डेथ हो रही है और हम सब चाहते हैं कि वैक्सीन लगवा कर हम सेफ हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं गायब हो रही। साक्षी ने पूछा कोरोना कब जाएगा, कोरोना कब जाएगा, आप ये मान लो 2 साल तो आपको कहीं नहीं गया है, कोरोना जाएगा फिर लौटेगा फिर जाएगा फिर लौटेगा। बेहतर है कि आप कुछ चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें अगर आप खुश रहना चाहते हैं, और इसके बाद जो अगला वायरस आने वाला है थर्ड वाला वो और ज्यादा खतरनाक है, तो वो आपको और ज्यादा परेशान कर सकता है। हाँ यार, ये आपने, और ऊपर से आपने परसों 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था एनिमल्स को लेके, तो मैं उस चीज को लेके ज्यादा मैं स्ट्रेस में आ गई, कि क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर या पता नहीं 1.5 साल पहले ऐसा कोई वायरस आया था जिसकी वजह से कई लाइक